ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज। दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रहे अपने अभियान ऑपरेशन कवच 5 के तहत 15 जिलों में 325 स्थानों पर छापेमारी की है। इस व्यापक कार्रवाई में 74 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार इस ऑपरेशन का उद्देश्य राजधानी में ड्रग तस्करी को जड़ से खत्म करना है। ऑपरेशन के दौरान हेरोइन, गांजा, चरस और एमडीएमए जैसे नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। साथ ही दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत 54 मामलों में भी कार्रवाई की गई, जिनमें 54 आरोपी गिरफ्तार किए गए और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। इस कार्रवाई के बाद कई बड़े ड्रग तस्कर अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिससे पुलिस की सक्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वर्ष 2024 में अब तक 9 से ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन तस्करों के कब्जे से हेरोइन, स्मैक, कोकीन, गांजा, अफीम, चरस और पोस्त जैसे नशीले पदार्थ भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। पुलिस का यह अभियान केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य ड्रग्स के खतरे से निपटना है। मई 2023 में शुरू किए गए ऑपरेशन कवच के तहत पुलिस अब तक 4 बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दे चुकी है। इस दौरान बड़ी संख्या में ड्रग्स जब्त किए गए और कई तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। ऑपरेशन कवच 5 के तहत हुई ताजा कार्रवाई ने ड्रग तस्करों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे दिल्ली में ड्रग्स की तस्करी पर काफी हद तक लगाम लगी है। आइए सुनते हैं संजय भाटिया, एडिशनल कमिश्नर क्राइम, दिल्ली पुलिस की जुबानी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने एक और प्रयास किया है। इसमें 31 तारीख से 1 तारीख तक 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन कवच 5.0 चलाया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में नशे से संबंधित सामग्री बरामद की गई। 31 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर 1 तारीख संडे को रात को 12 बजे तक 345 जगह पर रेड की गई, जिसमें 78 नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार किए गए और 66 एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज किए गए। भारी मात्रा में नार्को सब्सटेंसेस हमने सीज किए हैं, जिसमें 108 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, 66 किलोग्राम गांजा, 1100 ग्राम चरस, 16 ग्राम एमडीएमए हमने बरामद की है। ये अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर साहब द्वारा चलाए गए एक अभियान में से एक है, जिसमें हम दिल्ली को खासकर और पूरे देश को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेशन कवच में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत सारी यूनिट्स दिल्ली पुलिस की, सारे जिले की पुलिस एक साथ कार्रवाई करती है, जगह जगह रेड की जाती है, जगह जगह हम लोग जो भी इसमें इलीगल ऑफेंडर्स हैं या कार्रवाई करने वाले नार्को ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ हम लोग एक्शन लेते हैं, केस दर्ज करते हैं, अरेस्ट करते हैं, सीजर्स करते हैं और साथ साथ बाकी जो इलिसिट लिकर्स का भी ट्रेड कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। और हम लोग इस मुहिम में एक्शंस करते रहेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। और बाकी जो इसके वर्टिकल्स हैं इस पूरे ऑपरेशन के, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन है, अवेयरनेस है या और उससे संबंधित कार्य हैं, वो भी हम लोग करते रहेंगे। तो इस तरह ऑपरेशन कवच 5.0 चलाकर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है दिल्ली पुलिस को, जिसमें भारी मात्रा में नार्को सब्सटेंसेस बरामद हुए हैं और बड़ी मात्रा में नार्को ऑफेंडर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।